आज हम बना रहे हैं सिंधी डिश सतपुड़े। इसके लिए आधा किलो मैदा, उसको पानी डाल के सान लेना है। उसको अच्छे से गूंथ लेना है। आटा गूंथ कर तैयार है। इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। कढ़ाई में वनस्पति घी, करीब आधा किलो, आधा किलो मैदा है तो आधा किलो घी, डालते हैं। आटे की लोई बना लीजिए। अब इसकी पतली रोटी बेलनी है, एकदम जैसे रुमाली रोटी रहती है उस तरह। रोटी बेल के तैयार हो गई है। अब ये जो घी गरम किया है, इसको लेकर के इस रोटी पे फैलाना है। घी अच्छी तरह से हो गया, फैल गया। अब थोड़ा सा सूखा आटा लेके इस पे पुरक दीजिए। अब चाकू की सहायता से इसकी लंबी लंबी पट्टियां काटिए। अब इन पट्टियों को खींचते हुए रोल करते जाइए। खींचने से वो और पतली होती जाएगी और आपका सतपुड़ा पतला और क्रिस्प बनेगा। पट्टी भी इसमें बांध दी और जिस साइज का आपको सतपुड़ा चाहिए आप उसमें उतनी पट्टियां चिपका सकते हैं। एक के ऊपर एक सात रोटियां भी रख सकती हैं, जो कि फेमस है। सतपुड़ा मतलब सात रोटियों से बना हुआ। अब आप इसको हल्के हाथों से बेल लीजिए। अब इसे ये पिघले हुए तेल में, घी में डाल दीजिए। इसको तलते हुए विशेष ध्यान देना पड़ता है कि जब आप इसको तलते हैं तो इस तरह इसको पलट के और हिलाते हुए ऊपर से गरम गरम घी डालते जाना चाहिए, जबकि उसकी जो पट्टियां रहती हैं वो खिल जाएं। और एकदम धीमी आंच पे इसको तलते हैं। एक एक सतपुड़े को तलने के लिए करीब 10 मिनट लग जाते हैं। और जितना आप इसके ऊपर घी डालेंगे
उतना ये खिल खिल के आएगा। इसको जिस स्पेशल तरीके से बेला जाता है उस स्पेशल तरीके से इसे तला भी जाता है। देखिए ये धीरे धीरे खिल रहा है, उसकी एक एक पट्टी अलग हो रही है, बिल्कुल एक फ्लावर की तरह यह खिलने लगा है। अगर आप इसको साधारण पूड़ी की तरह तलेंगे तो वह उतना खिलेगा नहीं। देखिए पूरी तरह खिल चुका है, सारी पट्टियां उभर के अलग अलग आ गई हैं। उसकी सातों पट्टियां अच्छे से खिल गई हैं। इसे करीब 10 मिनट, 10 मिनट तक धीमी आंच पे तलते रहना है। देखिए जितना घी डालते जाएंगे उतना ही खिलते जाता है। और अच्छे से टाइट बंधे रहने के कारण यह खुलता भी नहीं है, इसलिए हमेशा जब आप उसको बेल के लपेटते हैं तो काफी खींच के और टाइटली लपेटिए। एकदम धीमी आंच पे, यही इसकी खासियत है। सतपुड़े तलने के बाद निकालने के लिए इस तरह का एक घमेले जैसा गहरा पॉट लेना है, उसमें एक प्लेट को उल्टा रख लेना है। इसका कारण ये है कि उसका जो घी रहता है वो निकल के यहाँ आखिरी में जमा हो जाता है, वो अपने साथ घी बहुत सोख लेते हैं। देखिए ये अब हल्के गुलाबी हो चुके हैं और उसकी पपड़ी भी आपको दिख रही है एकदम क्रिस्प हो चुकी है। आपके सतपुड़े तैयार हैं, इनको इस तरह निकाल के रख दीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा घी रहेगा वो इस तरह एकत्रित होता जाएगा। आप इसको थोड़ी देर के लिए धूप में भी रख सकते हैं ताकि उनका घी निकल जाए, या फिर ओटीजी के अंदर भी डाल सकते हैं एकदम धीमी आंच पे, तो उनके अंदर जो घी रहेगा वो धीरे धीरे निकल के इस कटोरी के नीचे जमा हो जाएगा और इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल घी रहेगा वो निकल जाएगा। आपके सतपुड़े तैयार हैं। आप इसे दूध के साथ, दाल के साथ और भी जिस प्रकार से खाना चाहें खा सकते हैं। हम ये महालक्ष्मी के अवसर पर बनाते हैं, इसलिए बोलो महालक्ष्मी माता की जय।